नीचे दिए गए पिक्टोग्राफ के मुताबिक कितने लोगों का जिनका सर्वे किया गया उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और कितनों का ओ नेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पर ही हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है, और लोगों को नंबर ऑफ पीपल को जो है वो कतरों के खून के कतरों से ज़ाहिर किया गया है, और एक कतरा जो है वो बराबर है 8 लोगों के, यानी एक कतरा 8 लोगों को ज़ाहिर कर रहा है। ये नीचे एक स्केल दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये कतरे दिए गए हैं, ये हर ब्लड ग्रुप के सामने ये उनकी तादाद है, तो इसे हम जो है 8 से ज़रब देंगे तो कुल जो है लोगों की तादाद हमें हासिल हो जाएगी। तो हमने मालूम करना है ओ पॉजिटिव ग्रुप, और ये ओ है और ये पॉजिटिव है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कतरे हैं। 8 कतरे, इन्हें हम ज़रब देते हैं हमारे स्केल से, तो स्केल जो दिया गया है वो 8 लोग फी कतरा हैं। ठीक, तो 8 लोग जो हैं वो फी कतरा हैं। यहाँ पर देखें कि यूनिट है ड्रॉप्स, जो है ड्रॉप जो है वो ड्रॉप के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीपल जो है वो रह जाएगा, 8 8 64 होता है, 64 लोग। ठीक, तो ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है वो 64 लोगों का था जिनका सर्वे किया गया, और अब हमने मालूम करना है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये ओ है, और इसका नीचे ये देखें ये नेगेटिव दिया गया है, तो इसके सामने सिर्फ 2 कतरे हैं। ठीक, तो 2 कतरों को हम इसी स्केल के साथ ज़रब देते हैं, 8 लोग फी कतरा, तो ड्रॉप ड्रॉप के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। ठीक, तो 16 लोग जो हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ठीक, तो ये हमने मालूम कर लिया।